तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आ गए मेरे को नई वीडियो में। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं एक बॉल बैलेंसिंग वाला गेम जिसका के नाम है एक्सट्रीम बैलेंसर 3। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम हमने इसकी काफ़ी सारी लेवल्स कंप्लीट करी थी, बट 15 वाली लेवल रह गई थी, 14 लेवल तक कंप्लीट किया था। तो आज हम उसके आगे का इसको खेलने वाले और उसके आगे के लेवल्स कंप्लीट करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाली है, क्योंकि गेम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, आज हम न्यू बॉल भी परचेस करने वाले हैं। तो ये लास्ट वाली है जो कि अर्थ टाइप की लग रही है, काफ़ी ग्रीन ग्रीन है, बट अभी हम उसको नहीं परचेस करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वाली को मैं परचेस करूँगा, ये वाली को। ठीक है, मैंने इसको परचेस कर लिया। यूज़ इट पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये इसकी लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि फिर ये गेम भी गाइस बोरिंग होता जा रहा है, क्योंकि इसके बाद लास्ट बॉल बचेगी और क्या उसी उसी को खेलना बार बार। तो आज की लास्ट वीडियो होगी ये, 15 लेवल है। चलो और इसको फिर कंटिन्यू करेंगे बाद में ऐसे कुछ बॉल बैलेंसिंग वाले गेम को। हाँ, बट ये एक्सट्रीम बैलेंसर 3 की लास्ट वीडियो होने वाली है आज की। देखो मुझे इस बॉल के ऊपर इस बॉल को करना था बैलेंस, जिसको कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया है और काफ़ी स्लो स्लो चलाऊंगा मैं आगे। थोड़ा भी फास्ट नहीं होना चाहिए, वरना ज़रा सी देर में गाइस बॉल जाएगी पानी में और अपनी मेहनत भी हो जाएगी ख़राब। तो काफ़ी आराम से यहाँ पर मैंने बॉल को तो चढ़ा दिया है। चलो मैं गाइस वेट कर रहा हूँ, थोड़ी सी भी गड़बड़ी ना हो इस बार। ओके, पहुँच गया। लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाली है, क्योंकि इस बॉल पे बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और आगे भी आप देख सकते हो तो काफ़ी सारे भाले नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो अगर बॉल में घुसे तो इसका तो काम तमाम हो ही जाएगा। भाई बॉल आराम आराम से चलना, बिल्कुल मरवाना नहीं है तुझे मुझे। ओके, अब चलूँगा। नहीं यार, मैं चलने ही वाला था, उतने में वो भाला आ गया। अच्छा वो मैं नहीं चला वरना निपट जाता। वो थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। ओह बच गया। ओह ओके 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 ओके, यहाँ से निकलना तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया। एक तो ये इतना ज़्यादा फास्ट है, मुझे बॉल की स्पीड भी काफ़ी फास्ट रखनी पड़ेगी आगे वाले पोल पे जाने के लिए। थोड़ा सा टकराया बस ये, जो भी चक्री टाइप का है गोल गोल घूम रहा है, बट इस बार मैं इससे बच जाऊंगा। मैं लास्ट टाइम ही बच जाता बट क्या, अरे शीट यहीं से नहीं निकल पाया इस बार तो। एक चीज़ है जब हम आराम से गेम खेलते होते हैं ना, तो हमको उसी टाइम कम्प्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में वही चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे मेरे साथ हो रहा है। अब इन भालों को क्रॉस ही करना मुझे लग रहा है मुश्किल ना हो जाए, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको कर लूं जल्दी से। चलो अब आ रही है यहाँ से। चलो, अरे अच्छा हुआ मैं बच गया, पीछे मैंने ले लिया था और अभी मैं बच चुका हूँ। यहाँ भी भाला है। साहब ओ शीट, अरे यार इससे अच्छा मैं स्पीड में निकाल देता सही में। मतलब मैं स्लो स्लो चलाने के चक्कर में मर गया, ये क्लोज जाके एकदम से बोल गई और एकदम से भाला गया। ओके चलो यहाँ से तो मैं बच चुका हूँ, अभी मेरी लेवल हो जाने वाली कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं करने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा इजीली निकालूंगा। देखो ये, सो गाइज हमारी 50 वाली लेवल कंप्लीट हो चुकी है, 15 वाली लेवल जैसे तैसे करके। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं बोलूँगा मैं, बिल्कुल नहीं बोलूँगा इसको मुश्किल, इजली हो गई हाँ, बट टफ थी, इसमें कोई शक नहीं है कि टफ नहीं थी, टफ थी, काफ़ी ज़्यादा टफ थी। अब बारी इस वाली लेवल की, इसके भी आगे वही सेम है जो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया 15 वाले लेवल में। यहाँ से चल रहा है ये डेंजरस चक्री टाइप का और मुझे पोल पर चलना है। आ गया, काफ़ी ईजी आ गया, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, बट देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमको ये 16 वाली लेवल कंप्लीट करने में। यहाँ पे मुझे बैलेंस बनाना पड़ेगा, वो भी जो दो तरफ बटन है ना, इन दोनों बटन का मुझे यूज़ करना पड़ेगा अभी आगे बढ़ने के लिए। चलो 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 चलो, ओके ओके, आगे भी दो चक्री चलती हुई दिख रही है। गेम धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, ये रही दो चक्री, मुझे स्पीड में जाना पड़ेगा क्योंकि आगे गैप भी है थोड़ा,
और एकदम से बैलेंस बनाना पड़ेगा वरना मैं गया पानी के अंदर। ठीक है, ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस पोल पे आ गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजली मैंने गाइस इसको हाफ से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया, मतलब आप बोल सकते हो 17% कंप्लीट किया, 30% और बचा है। आगे कुछ भाले चल रहे हैं। हाँ, मुझे लगा था ये लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, एक्सट्रीम हो जाएगी, बट हाँ इतनी ज़्यादा भी ये नहीं हुई है, नॉर्मल ही है। चलो यही मौका है और यही समय है, सही समय है। चलो, अरे यार बहुत भाला घुस गया एकदम से बॉल में आके। भाई ये बॉल तो मुझे लगता है ना कि स्टोन वगैरह की बनी है, पता नहीं कैसे लोहे से ही टूट जाती है, आयरन से। भाई ये रबड़ वाली थोड़ी बॉल है जिसके अंदर ट्यूब वगैरह रहता है। गेम वालों को भी फुटबॉल ही बना देनी थी। टू और शिट गई, मतलब भाले को मैंने क्रॉस कर लिया पर मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैं यहाँ पे गिर चुका हूँ। और ये बॉल भी इतनी जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इसको संभाल के चलाना पड़ता है आगे की तरफ, थोड़ी सी भी नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। चलो यहाँ से दो तरफ से निकाल दी, तीन, ओके 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 ओके, इस बार नहीं, हाँ ठीक है। अब मुझे तो लगा इस बार भी इसने नैया डुबा ही दी अपनी पर, बच गए हम इस बार। चलो यहाँ से मुझे काफ़ी स्पीड में बॉल को लेके जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है। ठीक है, जो कि हमने कवर कर लिया और ये हमारी लेवल हो चुकी है कंप्लीट 16 वाली। ठीक है, अभी बारी है 17 वाली लेवल की, तो इसको भी खेलते हैं, जल्दी से करते हैं कंप्लीट और ये लास्ट लेवल कर लेते हैं क्योंकि फिर वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वैसे भी आप इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो देखते नहीं हो। चलो गया मैं, मुझे पता गया क्योंकि जैसे मैंने बॉल की स्पीड स्लो कर ली थी ना, मैं समझ गया था कि अब अपना कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से हो गया मैं क्रॉस, आगे वही चल रहा है चक्री टाइप का जो भी है। और अभी मुझे वाटर के अंदर चलना है, देखो हाफ वाटर में हूँ मैं, हाफ नहीं मतलब थोड़ा सा वाटर में हूँ। पूरा पानी के अंदर ही चल रहा हूँ मैं, बैलेंस बना रहा हूँ। कुछ तो चल रहा है, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए है। ओके, मैं समझ गया, ये हमको आउट करवाने के लिए है, समझा, बट समझने में थोड़ी देर हो गई इसलिए मैं मर गया। अभी मेरे पास सिर्फ 3 हार्ट्स बचे हैं, 3 हार्ट बचे हैं और 3 हार्ट में मुझे ये लेवल को करना है कंप्लीट। मैं अभी तक कैसे जीतते आ रहा हूँ ना, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुका है, बट अब मैं समझ के चलूँगा क्योंकि 3 लेवल बची है इसमें मुझे कम्प्लीट करना है। तो हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम से और सतर्क होकर चलना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी देर में कुछ भी आ जाता है, कहीं भाला आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, और ये गेम वाले धीरे धीरे इस गेम को काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी करते जा रहे हैं। यहाँ पे चल रही है 2 चक्रियाँ, इनसे तो मुझे नहीं मरना है बिल्कुल, काफ़ी आराम से निकालूंगा मैं इनके कोने से। ठीक है, एक को तो कर दिया क्रॉस, राइट गाइस, यहाँ पे एक ब्रिज आ रहा है, अब ब्रिज नहीं इसको, आप मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बता दो। ये जो आता है झूला टाइप का कुछ है, ये झूलाता नहीं है हमको। लग यही रहा है झूला टाइप का, बट झूलाता नहीं है। तो यहाँ मैं पहुँच गया, इनको क्रॉस करना मुझे, फिर से काफ़ी ज़्यादा भाले आ रहे हैं। चलो एक को कर दिया, बच गया बच गया बच गया बच गया, अभी गड़बड़ हो जाती हूँ उससे। ठीक है, अभी लास्ट, चलो तो यहाँ से तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी बस लास्ट है, इसके ऊपर मुझे बैलेंस बनाना है और उसके बाद अपना काम हो जाएगा कंप्लीट। ये पोल के ऊपर यार नीचे गिर गया, तो पोल भी आधा पानी में डूबा हुआ है। बस ठीक है, यहाँ पर मेरा बैलेंस बन चुका है और ये वाली लेवल भी अपनी हो जाती है कंप्लीट, जो कि थी 17 वाली। तो नेक्स्ट लेवल अनलॉक हो चुकी है, बट हमको नहीं खेलना इसको, आज एंड कर देते हैं।
आप कमेंट बताना कि आपको ये गेम कैसा लगा और आज की लेवल्स में सबसे ज्यादा टफ लेवल कौन सी वाली लगी आपको। तो अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को जल्दी से आगे कर लो सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।